वेलकम टू आरमेट आईटी ऑनलाइन क्लासेस। मैं आज आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चंस बताऊंगा फ्यूचर ट्रेड थ्योरी का। आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे हैमर के बारे में। तो सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले जान लेते हैं कि हैमर क्या है। हैमर एक स्ट्राइकिंग टूल है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु पर चोट पहुँचा सकते हैं। ठीक है, हम लोग हैमर का क्लास ऑनलाइन क्लासेस कर चुके हैं, आज हम लोग उसका वीडियो बनाएंगे। हम लोग एक एग्जांपल में एक हैमर देखते हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक हैमर है, हैंड हैमर है। ठीक है, ये क्या है? तो मेरा हैंडल है। ठीक है, ये क्या है? तो बॉल। अब देखिए यहाँ आपसे हैमर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो देखिए पूछ रहा पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन हथौड़ा का भाग, हथौड़ा का मतलब हैमर, हथौड़ा का मतलब क्या होता है? हैमर। ये इंग्लिश वर्ड है या ये हिंदी वर्ड? तो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हथौड़ा का भाग। तो पहला ऑप्शन है आपका हैंडल, दूसरा में आई होल, तीसरा में फेस, चौथा सभी। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में आपको बता चुके थे कि क्या क्या उसका पार्ट होता है, क्या क्या उसका नमी कल्चर होता है। तो देखिए हमने फिर भी एक ड्राइंग आपके सामने बना दिया। अब इस ड्राइंग में देखिए तो क्या क्या, पहला हैंडल, हैंडल तो होता है ठीक, दूसरा आई होल, आई होल भी होता है, तीसरा है फेस, ये देखिए नीचे वाला को भाग को फेस बोलते हैं ठीक, फेस भी है यानी, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो मतलब ये सभी होते हैं, हैंडल होते हैं, आई होल होते हैं, फेस होते हैं, सभी ये तीनों इस हैमर में मौजूद रहते हैं इसके पार्ट्स में। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा नंबर फोर, कौन सा? सभी। इनमें से कौन थोड़ा का भाग है? हैंडल, आई होल, फेस या सभी? तो कौन सा इसका भाग है? तो सभी इसका भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हैंड हैमर का वजन कितना होता है। ठीक है, तो ये हैंड हैमर, हैंड हैमर, हैंड हैमर का जनरली तीन चार टाइप्स है। बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, स्ट्रेट पिन हैमर है, डबल फेस हैमर है। इसका तीन चार टाइप्स है बॉल हैंड हैमर का। तो इसी में से पूछा जा रहा है कि ये जो तीन चार टाइप्स के होते हैं हैंड हैमर, उसका वजन कितना होता है। तो आइए क्वेश्चन पढ़िए फिर से, हैंड हैमर का वजन कितना होता है। लेकिन पहला ऑप्शन आपको दिया है 0.125 से 1.5 kg। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बताया गया आपको 1 से 1.5 kg, तीसरा ऑप्शन बताया गया 2 से 3 kg, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
जो मेरा हैंड हेमा होता है उसका वजन मेरा लाइक करता है आपका कितना, तो 0.5 है मेरा, उसका वजन लाइक करता है इसके बीच में, चाहे वो बॉल पिन हैमर हो या क्रॉस पिन हैमर हो या स्ट्रेट पिन हैमर हो या डबल फेस हैमर हो, ये मतलब जो इसका लाइक करेगा वजन वो कितना होगा, तो 0.125 से 1.5 केजी तक। दो नंबर का ऑप्शन आप लोग को क्लियर है, ठीक है। एंड हैमर का वजन कितना होता है, इसमें देखिए 0.125 से 1.5 केजी, यहाँ पर आंसर मैच कर रहा आपका। अगला है क्या, 1.5 से 1.5 मैच नहीं कर रहा। दूसरा है 1.2 से 3 केजी, ये भी मैच नहीं कर रहा। चौथा इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर कौन सा इसका सही हो गया मेरा, 0.125 से 1.5 केजी, ठीक है। दूसरा का आंसर ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि हैंड हैमर की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए हैमर जो है, लंबाई का मतलब है कि ये हैंडल कर ले, ठीक है, तो वो कितना तक रख सकते हैं। लंबाई का मतलब उसका लेंथ कितना तक रख सकते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर एक को पहले देखिए, 25 से 35 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर टू है 25 से 45 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर थ्री 45 से 60 सेंटीमीटर है। और ऑप्शन नंबर चार 60 से 70 सेंटीमीटर। तो जनरली हैंड हैमर का जो लंबाई रखा जाता है वो आपका कितना रखा जाता है, 25 से 35 सेंटीमीटर का बीच रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा, तो ऑप्शन पहला 25 से 30 सेंटीमीटर, दूसरा 25 से 45 सेंटीमीटर, तीसरा 45 से 60 सेंटीमीटर, चौथा 60 से 70 सेंटीमीटर, मतलब ये चारों में ये मैच कर रहा आपका, ठीक है, देख रहे हैं आप। अब इसको सही टिक कर लेते हैं, ये इसका आंसर सही, ठीक है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हैंड हैमर किस धातु का बना होता है। हैंड हैमर के कहने का मतलब सभी, या तो बॉल पिन हैमर होगा, या तो क्रॉस पिन हैमर होगा, या तो स्ट्रेट पिन हैमर होगा, या मतलब सभी जो हैंड हैमर के जो टाइप्स हैं इसमें आते हैं। तो सबसे पहला देखिए आंसर क्या है, पहला ऑप्शन आपको बता रहा है कास्ट स्टील, ठीक है। दूसरा नंबर बता रहा है आपको कार्बन स्टील। तीसरा नंबर बता रहा है एक या दो, एक और दो दोनों ए एंड बी। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्लास में आपको बताया था कि ये जो पार्ट्स है ये किसका बना होता है, ये कास्ट स्टील का भी बना हो सकता है और कार्बन स्टील का भी बना होता है, ठीक है। ये क्या, कास्ट स्टील और कार्बन स्टील दोनों का बना होता है। तो अब क्वेश्चन को देखिए, हैंड हैमर किस धातु का बना होता है। तो पहला क्या है, कास्ट स्टील, इसका भी बना होता है। दूसरा कार्बन स्टील है, इसका भी मेरा बना होता है। तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, ठीक है। और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो ये भी बना होता है और इससे भी बना होता है। यानी तीसरा नंबर एक और दो, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए अगला क्वेश्चन, चित्र 1.2 में दिखाया गया है हमारा कौन सा। देखिए यहाँ पर चित्र 1.1 था, यहाँ चित्र 1.2, ठीक है। तो ये देखिए इस हैमर को गौर से देखिए, ठीक है। ये हैमर आप लोग जनरली देखते होंगे जो काटी उटी निकालता है, किसी लकड़ी में ठोका हुआ काटी उटी को निकालने में प्रयोग किया जाता है इस, ठीक है। इसमें एक तरफ खांचा बना होता है जिसमें कि फंसा कर टॉर्क देकर निकाल दिया जाता है काटी उटी को, और एक तरफ फेस होता है किसी चीज को काटी को स्ट्राइक करने के लिए, ठोकने के लिए, और दूसरे तरफ होता है फेस जो है उसे पिंसर की तरह वो निकालता है, काटी को निकाल देता है। ये क्या है, हैंडल है, फेस है, क्लोज। तो बताया जा रहा हमसे कि चित्र 1.2 में दिखाया गया हैमर कौन सा। तो देखिए पहला है हैंड हैमर। तो हैंड हैमर का हम बता चुके हैं आप लोगों को कि हैंड हैमर का कौन कौन सा टाइप होता है। तो पहला बॉल पिन होता है, दूसरा क्रॉस पिन होता है, तीसरा स्ट्रेट पिन होता है। तो ये सब में ये हैमर है नहीं। दूसरा है क्लो हैमर। तो इसमें देखिए एक तरफ फेस है, एक तरफ क्लो है, मतलब किसी चीज को निकालने के लिए दो खांचा बना होता है उंगली के इस तरह उंगली से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको फंसा कर और एक तरफ टॉर्क दबा कर इसे ऊपर की ओर निकाल लेते हैं, तो ये काटी वटी निकालने के काम में आता है। तीसरा है सॉफ्ट हैमर।
सॉफ्ट हैमर में क्या होता है, नायलॉन का होगा, वुड का होगा इत्यादि, ये सब हो सकता है। ठीक है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, क्लो बना हुआ है। तो क्लो जो बना हुआ है तो इसका दूसरा नंबर ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ क्लो हैमर, मतलब इसमें क्लो है तो क्या है, क्लो हैमर, मतलब ये क्लो हैमर है। तो चित्र 1/2 में लिखा गया हैमर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्लो हैमर। ठीक है, ये हुआ मेरा हैमर का पार्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।